शादी के बाद का साइकोसिस, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़की को मेरे यहाँ लाया, अप्रॉक्सीमेटली 23 साल की उम्र, शादी होने की, और बोले थोड़ी सी गुमसुम बैठी है, और जब से उसका एंगेजमेंट हुआ तब से वो ज़्यादा ही थोड़ा सा गुमसुम बैठना चालू किया, अपने आप से कभी थोड़ा सा मतलब गुस्सा करना या बाकी लोगों के साथ में गुस्सा करना है, अपने आप बैठ जाना या गुमसुम बैठना, बातचीत नहीं करना। तो बोले इसका इलाज करो, अभी शादी है एक महीने बाद में। बोले ठीक है, चलो देखते हैं उसका इलाज। उसको इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ निकला नहीं। मैंने बोला ये साइकोसिस की शुरुआत हो सकती है, तो उसको मैं दवा देता हूँ। उसको काफ़ी मतलब बोलने की या बुलवाने की कोशिश किया, मगर वो कुछ बातचीत ही नहीं करती, चुपचाप बैठती थी बस और अपने इसमें गुम रहती थी। उसको दवाई दिया और एंटीसाइकोटिक दवाई दिया, तो उसका बोलना चलना चालू हो गया, और अच्छा बोलना चलना चालू किया उसने। और वो बोला मुझे अच्छी इच्छा हो रही, मैंने बोलना नहीं, गोलियों से अच्छी हो गई। शादी के समय क्या हो गया कि अभी शादी करना है, एक महीने बाद में शादी थी, शादी के समय बोले अभी तो लड़की अच्छी हो गई, उसको दवा कैसे देंगे, इसलिए दवा बंद कर दिया। वैसे भी लड़के वालों को क्या बोलेंगे कि भाई इसको दवा चल रही है, तो वो भी बोलना असंभव था, नहीं तो शादी टूट जाएंगी, इसलिए उनको बोला भी नहीं, गोली भी दिया नहीं। शादी बहुत ठाटमाट से हो गई। शादी होकर वो जैसी ससुराल गई, पहले ही रात को उसको जैसी वहाँ जैसा नाइट होने लगी, उसको घबराना चालू हो गया, घबराहट चालू हो गई, किसने कुछ बोला होगा उसको, सेक्स है भी आज का या मधुचंद्र की पहली रात है या फर्स्ट नाइट है, ऐसा कुछ तो भी बातचीत किया होगा, उसको लगा डर, और उसमें वो एकदम वायलेंट हो गई, ना किसी को कंट्रोल में आ रही, बहकी बहकी बातें कर रही, चिल्ला रही, चीख रही, और अनकंट्रोल हो गई। उनके घर वालों को बुलाया, अब नेचुरली मेरे पास में दवाई पहले उसकी हुई थी, उसको मेरे पास में लाया। 3 दिन तक उसको हमने रखा हमारे पास में, वायलेंस धीरे धीरे कम हो गया, नॉर्मल हो गई। मगर मुझे यहाँ ये कन्वे करना है कि देखो, एक तो क्या होता है कि शादी बोले तो बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है शादी का, तो जभी जभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम शादी के पहले दिखाई देता है तो बच्चों की शादी नहीं करना चाहिए, शादी थोड़ी लंबाना चाहिए, थोड़ा आगे ढकेलना चाहिए। नंबर एक, समझो शादी करती है तो दवाई बंद नहीं करने को ना, क्योंकि दवाई से वो नॉर्मल हो गई थी, अभी दवाई जब विड्रॉ कर लिया तो केमिकल लोचा जो भी कुछ हुआ था वो फिर फ्लेयर अप हो गया, और वैसे ही उसकी ये हो गया, शादी हो गई। शादी के बाद में भी किसने उसको बोल दिया कि सुहागरात है, ऐसा फलाना, सेक्स के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, कभी उसने अनुभव नहीं किया था, उसको डर बैठ गया और बाद में वायलेंट हो गई। तो सभी माँ बाप को मुझे ये कहना है कि भाई बच्चों को यदि शादी के पहले दवाई चालू है तो शादी के दौरान दवाई कभी भी बंद नहीं करना। शादी बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर होता है, दवाई बंद करते हो एक कारण और शादी होती है दूसरा कारण, दोनों कारण मिल जाते हैं और बहुत बड़ा साइकोटिक एपिसोड आ सकता है। तो ये हरदम ख्याल में रखो। अभी मैंने उनको ये बताया कि अभी साइकोटिक एपिसोड आपका आया हुआ है, अभी ठीक हो गई है, अभी आपको कम से कम 6 महीने तक दवाई देनी पड़ेगी। माँ बाप बोलते हैं असंभव है 6 महीने, अभी तो हमने उनको चुपचाप लाया, बोला कि हम बाहर का करेंगे, दरगाह में ले जाएंगे करके उनको लाया है आपके पास में, और लड़की अच्छी हो गई अभी 3 दिन में ही, अभी हम उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं इनको तो डॉक्टर केळकर के यहाँ भर्ती किया, तो बोलेंगे नहीं तो पागल थी और हमको होना नहीं, तो हमने उनको बोला भी नहीं, हमने बोला हम बाहर का कर रहे हैं, हम कहीं मस्जिद में लेके जाएंगे, कोई मंदिर में लेके जाएंगे, वहाँ का पानी देंगे। मतलब भाई आपका है चॉइस, मगर अभी इसको दवा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने एक बार दवाई बंद कर दिया साइकोटिक सिम्टम फ्लेयर अप हो गया, तो भी दवाई देना जरूरी है। मेरा ऐसा एडवाइस है कि आपको देना कम से कम 6 महीना दवाई देना जरूरी है, बाकी आपके मर्जी, आप क्या करना है, दवा देना कम से कम 6 महीने। कोई भी ऐसा मेंटल हादसा हो जाता है, साइकोटिक एपिसोड है, तुरंत दवा बंद करने की नहीं है, लोग तुरंत दवा बंद कर देते। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।